चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान को ऐसे ही बॉलीवुड का दबंग नहीं कहा जाता है, क्योंकि इनकी फिल्में जब भी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होती है हमेशा एक नया रिकॉर्ड बनाती है और पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त करती है। इसी कड़ी में सुपरस्टार सलमान खान और हॉट अदाकारा कटरीना कैफ के स्टारर टाइगर जिंदा है ने फिल्म रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाना चालू कर दिया है। फिल्म ने अब तक 5 दिनों में करीब 150 करोड़ से ऊपर का कारोबार कर एक नया इतिहास रच दिया है। तो वहीं मीडिया में चर्चा और गर्म हो चुकी है, क्योंकि फिल्म ने शाहरुख खान की जब हैरी मेट सेजल को भी पछाड़कर नंबर 1 की पोजीशन हासिल करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि शाहरुख और अनुष्का शर्मा की जब हैरी मेट सेजल को सलमान खान की टाइगर जिंदा है ने बहुत पहले ही पछाड़कर उस फिल्म को धूल चढ़ा दिया है। तभी तो सलमान खान बॉक्स ऑफिस के नंबर 1 बनते चले जा रहे हैं। आपको बता दें कि सुपरस्टार सलमान खान ने टाइगर जिंदा है में बेहद एक्शन सीन करते हुए नजर आए हैं, जो दर्शकों को बेहद ज्यादा पसंद आ रहा है। फिल्म में टाइगर जिंदा है में कटरीना कैफ और सलमान खान पर फिल्माया हुआ गाना स्वैग से करेंगे सबका स्वागत दर्शकों की जुबान पर चढ़कर बोल रहा है। फिल्म दर्शकों को बेहद ज्यादा पसंद इसलिए भी आ रहा है क्योंकि सलमान खान 5 साल के बाद अपनी गर्लफ्रेंड कटरीना कैफ के साथ जोरदार एक्शन सीन करते हुए नजर आ रहे हैं, जो दर्शकों को खासा ज्यादा पसंद आ रहा है।